नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं तेईस फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज मंगलवार है माघ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायकाल छ बज के पांच मिनट तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर बारह बजकर के इकतीस मिनट तक इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है आयुष्मान योग करण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उन्चास मिनट से दोपहर बारह बजकर के चौतीस मिनट तक का होगा वहीं काल दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े चार बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज एकादशी है इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है आज सनातन धर्मी भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना करते हैं उपवास रखते हुए उपवास का अर्थ आप जानते हैं उप समीपे वासम परमात्मा के करीब आज वास करना तो आप गृहस्थाश्रमी हैं तो विशेष रूप से आज श्री हरि विष्णु की आराधना आपको करनी चाहिए उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए जन्म कुंडली का नवा भाव और उसमें बनने वाली राशि उस भाव के स्वामी को ही भाग्येश कहते हैं और प्रत्येक ग्रह के भाग्योदय का समय निर्धारित है कि यह ग्रह है अर्थात गुरु भाग्येश है तो सोलहवें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा ऐसे ही हर ग्रह का निर्धारित भाग्योदय वर्ष है अब सवाल उठता है कि जब एक बार आपके जीवन काल में भाग्योदय हो गया तो क्या फिर दोबारा भाग्योदय नहीं होगा क्या है इस भाग्योदय वर्ष का महत्व और क्या है इस भाग्योदय वर्ष का मतलब दिव्य महाप्रयोग में आज इस विषय की चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग की बात हम करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की मंगल राहु के साथ युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है तो वहीं गुरु बुध और शनि ये तीन ग्रह तीनों के तीनों श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो गोचर कुंडली में अंगारक योग की स्थिति बन तो जरूर रही है परंतु ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि अगर देखें तो मंगल राहु से अभी बहुत दूर हैं नक्षत्र वाइज भी अगर देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र में मंगल और रोहिणी नक्षत्र में राहु है तो यह नक्षत्र का भी भेद है तो दूरी है है यह जरूर अंगारक योग गोचर कुंडली में अंगारक योग का निर्माण है लेकिन यह अभी उस तरह से अपना प्रभाव नहीं देगा जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेंगे राहु के वो सन्निधि में पहुंचेंगे करीब पहुंचेंगे तब यह योग जागृत होगा वहीं गोचर कुंडली में शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में जब मैंने बताया तो कुछ दो चार दर्शक या दो दर्शकों मुझे दो दर्शकों के कमेंट पढ़ने को मिला उसमें उन्होंने लिखा कि शुक्र अस्त है तो प्रभाव कैसे देंगे नहीं कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि आप समझ सकते हो अगर नहीं समझते तो जिज्ञासा है तो पूछिए बता दिया जा सकेगा कोई ग्रह अस्त हो निसंदेह उसके प्रभाव में कमी आ जाती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो ग्रह प्रभाव विहीन हो जाएगा ये ग्रह तत्व तो को प्रदर्शित करते हैं अगर शुक्र अस्त है और प्रभाव विहीन है तो इस समय जितने भी फिर लड़के बच्चे जन्म लेंगे वो फिर सभी नपुंसक होंगे अर्थात वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि शुक्र तो मृत अवस्था में या अस्त अवस्था में कमजोर है तो आपने जब जिन्होंने पूछा अगर मन में संशय जानकारी की है तो मैं बता देता हूं अस्त का अर्थ है उसके प्रभाव में एक ऐसा तेज उस उस पुंज के साथ है जिस तेज पुंज के समुख, इसका तेज पुंज कमजोर पड़ गया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं प्रभाव विहीन ये पांचों तत्व कम और ज्यादा हो सकते हैं समाप्त नहीं हो सकते हर तत्व का महत्व है और हर तत्व हमारे शरीर में है तो वैसे ही अगर गुरु अस्त हैं गुरु मृत हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी ऊंचाई ही न छू पाए उसके विवाह ही न हो अर्थात वो जिन चीजों के कारक हैं वो चीज उस जातक को जीवन फिर कभी ना मिले तो याद रखिए कि गोचर का जो प्रभाव बताया वो गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव तो जन्म कुंडली के आधार पर आधारित होता है तो ये है ग्रह स्तुति और गोचर कुंडली में बाकी की स्तुतियां आपकी राशि के लिए कैसी बन रही है किस प्रकार का है? इनका प्रभाव आपको मिल रहा है ये आगे राशिफल में चर्चा का विषय रहेगा इसे हम जानेंगे और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं चलते हैं आगे और मैं भाग्य से संबंधित जो तथ्य था उसे आपके सम्मुख बताऊं उससे पूर्व एक दो सूचना है वो भी आपको बता देना चाहता हूं राशिफल में ही प्रिय दर्शकों भोलेनाथ की आराधना महाशिवरात्रि का जो पर्व महापर्व है उस महापर्व में आप सभी आमंत्रित हैं भोलेनाथ की नगरी काशी में महाश्मशान में आप का आपको मैं निमंत्रण निमंत्रण दे रहा हूं आप आए भोलेनाथ की हम मिलकर आराधना करेंगे रात्रि के चारों प्रहरों में ब्राह्मणों के सन्निधि में भोलेनाथ का हम रुद्राभिषेक करेंगे महारुद्र करेंगे तो आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं आइए भोलेनाथ की कृपा भोलेनाथ के शरण में जो एक बार आ जाए भोलेनाथ एक बार हाथ पकड़ ले तो फिर दुख साथ नहीं रहेंगे दुख तो साथ छोड़ ही देंगे दूसरी सूचना प्रिय दर्शकों अभी अगले आने वाले दस दिनों तक हो सकता है कुछ ज्यादा भी चला जाए समय लेकिन कम से कम मैं मान के चलता हूं कि एक सप्ताह से ऊपर का ही समय जाएगा दस दिन तो मैंने अपने से तय कर रखा है एक ही कार्यक्रम यह जो राशिफल का कार्यक्रम है आप सबके लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा सायं काल का जो कार्यक्रम है यानी ज्योतिषीय कार्यक्रम वो लेकर के उपस्थित नहीं हो सकूंगा इसके पीछे एक सामान्य सी परेशानी है और वो परेशानी पिछले जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रकृति में हर चीज सीमित है और उसे खत्म भी होना है वो चाहे कोई भी हो जब आप किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें परेशानी अवश्य आएगी अब सबसे ज्यादा मैं किस चीज का इस्तेमाल करता हूं अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आपको पता होगा वाणी का इस्तेमाल करता हूं तो जब आप वाणी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति उस पर रोक लगाएगी वैसे ही कुछ रोक प्रकृति ने लगाया और डॉक्टर ने कहा कि कम बोलना ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए मुझे एक वैसे तो पूरा ही वीडियो बंद करना चाहिए लेकिन संभव नहीं है अगर राशिफल भी ना बनाऊं तो करूंगा क्या फिर वैसे भी काम ना करके इंसान पागल हो जाएगा तो नहीं कर सकता करना ही पड़ेगा मजबूरी है वो जीने के लिए जरूरी है मतलब अब काम जीवन का एक हिस्सा बन गया है और ये जो काम मेरे रोज का है ये जीवन का हिस्सा है न करना फिर पागल कर देगा तो वो मजबूरी भी है मेरी चाहे कितना कुछ भी हो करना तो पड़ेगा तो राशिफल का जो कार्यक्रम है वो मैं लेकर के आप सबके उपस्थित होता रहूंगा लेकिन जो दूसरा कार्यक्रम है उसे अभी कुछ दिनों तक हम बंद रखेंगे अब आ जाते हैं उस विषय पर भाग्योदय वर्ष क्या है इसका मतलब और अगर देखा जाए तो सूर्य आपके जब भाग्येश होते हैं तो बाईसवें वर्ष में शास्त्र कहता है आपका भाग्योदय होगा चंद्रमा हो तो भाग्योदय आपका चौबीसवें वर्ष में होता है मंगल हो तो अठाईसवें वर्ष में बुद्ध हो तो बत्तीसवें वर्ष में गुरु हो तो सोलवे वर्ष में शुक्र हो तो पच्चीसवें वर्ष में और शनि हो तो छत्तीसवें वर्ष में यह आपके भाग्योदय का वर्ष है अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति सोलह वर्ष पार हो गया और गुरु उसके भाग्यस है तो इसका मतलब अब उसके जीवन काल में भाग्योदय नहीं होगा या एक ही बार भाग्योदय हुआ या अब उसके जीवन काल में भाग्योदय के बाद कभी समस्या नहीं आएगी इन बताए वर्षों का महत्व क्या है देखिए जीवन काल में ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अगर आपका भाग्योदय हो गया अगर गुरु आपके भाग्य से और सोलहवें वर्ष में आपका भाग्योदय हो तो गया सूर्य आपके भाग्य से और बाईसवें वर्ष में आपका भाग्योदय हो गया तो अब आपका भाग्योदय हो चुका है अब जीवन में परेशानी नहीं आएगी नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है ही नहीं और मैं सदैव कहा करता हूं कि जैसे ही आप अपने भाग्य को लेते हैं या जैसे ही अपने सुखों का चुनाव करते हैं दुखों पर हस्ताक्षर अपने आप ही हो जाता है तो भाग्योदय उदाहरण से समझिए भाग्योदय कराने वाले मान लीजिए गुरु बृहस्पति हैं तो सोलवा वर्ष कहने का तात्पर्य जातक के जीवन काल में एक बड़े वर्ष के रूप में होगा वर्ष एक ऐसा वर्ष होगा जहां जातक के जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है या यहां एक बात का और ख्याल रखना होगा शनिदेव सबसे ज्यादा भाग्योदय कराते हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिनके भाग्य शनिदेव हैं ऐसा जातक बाकी के समय में भाग्यहीन रहा होगा इसका यह मतलब है कि इस जातक के जीवन काल का विशेष है विशेष है लेकिन एक और तर्क समझिए मान लिया जाए कि भाग्येश पूरी तरह से कमजोर अवस्था में हो पीड़ित हो तो शास्त्र कहता है कि तो यही विचार करना है कि जो उदाहरणार्थ आप छत्तीसवें वर्ष में हैं और सिविल सर्विस की परीक्षा दे रखा है आपने या आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं और आपकी नौकरी में प्रमोशन होने वाला है या आप छत्तीसवें वर्ष में हैं और मान के चलिए कि उसी समय बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे संतति के लिए संतति नहीं हो रही थी तो ये छत्तीसवां वर्ष आपके जीवन काल का आया ये छत्तीसवां वर्ष एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा जो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था वो मिल जाएगा मान लीजिए आप बाईसवें वर्ष में हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं सूर्य आपके बहुत बलवान हैं तो इसका मतलब है कि बाईसवां वर्ष आपके जीवन काल का महान क्रांति लाने वाला वर्ष है और बाईसवें वर्ष में ही आपकी सरकारी नौकरी तय है भाग्योदय वर्ष का अर्थ होता है कि यह वो एक वर्ष है जो आपके जीवन काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है और शास्त्र यह भी कहता है कि भाग्येश जिस राशि में बैठे हों उस राशि का राशिपति भी भाग्येश बन जाता है कार्य बन जाता है अर्थात अगर गुरु जाकर के शनि की राशि में बैठे हैं तो फिर आप अपने जीवन काल के छत्तीसवें वर्ष को भी देखिए तो इसका ये मतलब होता है न कि एक यह मतलब कि भाग्योदय एक बार जीवन में हो गया फिर नहीं होगा भाग्योदय तो हमेशा ही है आपका ये एक विशेष वर्ष को प्रदर्शित करता है बैठे हैं वो एक ऐसा वर्ष है जहां आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है अगर आपकी कुंडली में भाग्यपति अत्यंत बली हैं, तो समझ लीजिए और एक और भी बात निकल करके यहां पर आती है कि जो भाग्योदय वर्ष है उदाहरण से समझिए तो बर्बाद होने के लिए एक दिन का वक्त लगता है आपका कोई गलत निर्णय और आप आसमान से जमीन पर आ जाते हैं हो सकता है वक्त लगे लेकिन आपका किया गया एक निर्णय आपको जमीन पर ले आएगा और वहीं आबाद होने में एक वर्ष का बनने में समय लगता है बिगड़ने में नहीं तो भाग्योदय वर्ष का अर्थ यह भी है कि यहां पर अगर व्यक्ति प्रयत्न कर ले इस वर्ष को अगर

ये नहीं कि इसके बाद भाग्य साथ नहीं देगा या फिर भाग्योदय नहीं होगा भाग्योदय तो हर दिन है आपका ये एक विशेष वर्ष है चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो चंद्र मंगल चंद, मंगल और राहु की युति आपकी कुंडली से द्वितीय भाव में तो वहीं सूर्य और शुक्र की युति आपकी राशि से लाभ भाव में तीन ग्रह तीन आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं सस महापुरुष योग नीच भंग योग का तो वही नृप्य योग का आपको फायदा मिल रहा है हर काम में बस प्रयत्न करना है हिम्मत बनाए रखना है और सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा उनके समर्थन से सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है बड़ा कोई लाभ हाथ आने वाला है पूरे दिन सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा और आपके काम बनते रहेंगे जो भी योजना आप बनाएंगे वो योजना पूरी तरह से सफलभूत होने वाली है और व्यापारी हैं तो व्यापार में बड़ा लाभ विशेषकर अगर आप एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं तो आपका बड़ा फायदा और वहीं ब्याज से संबंधित काम करते हैं तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा धन से संबंधित अगर काम करते हैं धन देना और उसके बदले ब्याज लेना तो ये काम लाभ देने वाला है कोई राज की बात किसी से शेयर करने वाले थे न बताइए प्रेम के क्षेत्र में परेशानी आने वाली है उतार चढ़ाव और मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी और सेहत के मामले में आज परेशानी है किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहेगी विशेष करके सर दर्द की शिकायत आपको रहती है माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशान होना पड़ सकता है हालांकि शाम तक तो आराम होगा लेकिन फिर भी परेशानी रहेगी बजरंग बाण का पाठ करिएगा आज कम से कम तीन बार लकी अंक आपके लिए आज सात है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए सावधानी पूर्वक वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से में संचरण कर रहे हैं लिहाजा दिन अच्छा है सफलता मिलेगी कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं कदम उठाने के लिए दिन बढ़िया है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा क्रोध से बचना होगा जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना होगा अपने दिल की जरूर सुनिए परंतु किसी दूसरे के भरोसे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए नहीं मुश्किल हो जाएगी और एक काम खत्म हो जाए तभी दूसरा काम हाथ में लीजिए एकाग्रता बनी रहे इस बात का ख्याल रखना है एकाग्र होकर के काम करना बेहद जरूरी है तभी जल्दी सफल होंगे कोई कोई नया वाहन नई वस्तु खरीदने का विचार मन में आ सकता है नौकरी पेशा अगर आप हैं तो दिन बढ़िया है परंतु कार्यस्थल पर आज विवाद की संभावना है हालांकि कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका लेकिन अगर विवाद होता है तो परेशानी होगी और व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है व्यापार में लाभ मिलेगा विशेषकर अगर आप कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है आज बिना सोचे समझे बोलना किसी का अपमान करना वाणी पर संयम न रखना आपको मुश्किल में डालेगा दाम्पत्य जीवन सामान्य ठीक है परंतु जीवन साथी की सेहत में अगर परेशानी है तो वह परेशानी बढ़ी बने बढ़ेगी और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है बैंकिंग फील्ड में है तो लाभ मिलेगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनेगी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तुलसी पत्र या तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज केसरिया निवेश आप कर सकते हैं मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो जितने भी आपके सोचे हुए कार्य हैं पूर्ण होता दिख रहा है भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और हर काम समय पर बन रहा है परंतु आपको भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा परिवार का सहयोग हर मामले में मिलेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है और नौकरी में हर प्रकार से आज अनुकूलता बनी रहने वाली है जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगा एक्स्ट्रा इनकम ऊपरी आमदनी की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है जरूरत पड़ने पर पुराने दोस्तों से या दोस्तों से आपको मदद मिलेगी और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन शुभ है किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात कोई नई जानकारी जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी निवेश में आपको सावधानी बरतनी होगी और लापरवाही से कोई काम मत करिए नहीं नुकसान होगा बहस और विवाद नहीं करना किसी को उधार नहीं देना और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रखनी है गैरकानूनी काम से बचना है प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा तो वही विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन सहयोग मिलने वाला है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन की शिकायत आज आपको विशेष रूप से हो सकती है हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश आप कर सकते हैं कर्क की हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं और मन को अशांति प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं हालांकि आत्मविश्वास में आपकी कोई कमी नहीं है फिर भी सतर्कता जरूरी है से परेशानी हो सकती है कार्यस्थल पर विवाद की संभावना है और हो सकता है आज आपका कोई अपना जिस पर आप भरोसा करते हो जो आपका अधीनस्थ हो जो आपके साथ का हो आपकी चुगली कर दे जिससे आपको नुकसान हो किसी भी बात पर आक्रामक नहीं होना सामने वाले से बदला लेकर रहेंगे ऐसी भावना मन में मत डालिएगा खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं और यात्रा करने वाले हैं तो सतर्क होकर के करिए क्योंकि यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है निवेश नहीं करना और किसी को धन उधार तो बिल्कुल ही नहीं देना है कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा वाहन सावधानी से चलाइएगा वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा और जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा आज घर में ही परेशानी सबसे पहले शुरू होगी प्रेम संबंध में कोई विशेष समस्या नहीं है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा कोई परेशानी कोई चिंता थी तो वो दूर होगी विद्यार्थियों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से दिन आज परेशानी ला सकता है चोट चपेट की घटना है खाने पर कंट्रोल नहीं रखा तो पेट में जलन की शिकायत होगी जीवन में अगर विशेष परेशानी आ रही है तो अपनी मनोकामना भोजपत्र पर लिखकर के हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए जो भी कार्य नहीं बन पा रहा है हनुमान जी के सम्मुख रख दीजिए हनुमान जी सब काम बना देंगे लकी अंक आपके लिए चार और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश जैसा मैंने कहा नहीं करना है बात सिंह की कर लेते हैं सिमराश के जातकों के लिए देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन अपनी योग्यता का पूरा फायदा उठाइए लाभ के प्रबल योग चिंता किसी तरह की नहीं करनी बस आगे बढ़ते चले जाइए भविष्य को लेकर के गंभीर होना बेहद जरूरी है यह सही समय है आगे बढ़ने का कदम आगे बढ़ाने का कोई बड़ा निर्णय लेने का जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए मित्र की सहयोग के सहयोग से आगे सफलता मिलेगी या यूं समझ लीजिए पार्टनर के सहयोग से आपका काम बनेगा कोई बड़ा काम जो बहुत दिनों से आप करना चाहते थे जो नहीं बन पा रहा था उस कार्य में सफलता मिलेगी वो कार्य बनेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन दिन बढ़िया बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारियों की बात करूं तो आज धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। लाभ बहुत है है लाभ अच्छा निवेश करना श्रेष्ठ होगा आप निवेश करिए बाहर का भोजन नहीं करना प्यार का इजहार आज आप मत करिएगा थोड़ी परेशानी होगी और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन मजबूती आएगी आपके शिक्षा में सो मेहनत करिए पढ़ाई में और अगर आपको सेहत में विशेष विशेषकर के मुख जन्य रोग जैसे मुख में लाल दाने इत्यादि निकलना या किसी भी प्रकार के मुख से संबंधित परेशानी है तो विशेष सावधानी बरतिएगा और आज हनुमान जी की प्रातः काल कपूर से आरती कर दीजिएगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए, आपके लिए आज ग्रे है निवेश आप जैसा मैंने कहा करिए कन्या की अगर हम बात कर लें तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए अच्छा समय है आपके लिए करियर में मजबूती मिलती दिखाई पड़ रही है और जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा कार्य आप करने की सोच रहे हैं तो होने वाला है लाभ की स्थिति बनी हुई है कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त होने वाला है जायदाद से संबंधित कोई कार्य था दिन अच्छा जाएगा आज वो काम बनेगा किसी जायदाद को बेचने वाले थे तो उसमें जो मैक्सिमम आय हो सकती है वो लाभ आपको होने वाली है यूं समझ लीजिए बातचीत से आपके उलझे हुए ज्यादातर कार्य सुलझने वाले हैं समझ लीजिए समस्या का समाधान निकल आएगा नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं रुके हुए कार्य पूर्ण होने का योग बन रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है विशेषकर कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त हो जाएगा आज का काम आपको कल पर नहीं टालना है किसी के कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है और दूसरों की बात में आकर के बिना विचारे कोई निर्णय नहीं लेना है जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है अतः तो बोलने से पहले सोच समझ करके वाणी पर संयम रख करके ही बोलिएगा नहीं घर का माहौल खराब होगा प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है आज का दिन विशेष करके अगर आप सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तनाव रहेगा परंतु सफलतादायक है दिन मेहनत करिए बहुत अच्छा बीतने वाला है दिन और सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा थकान नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं और विशेष करके खान पान का ख्याल रखिएगा हनुमान बाहुक का पाठ आज करिए हनुमान जी की आराधना से सब कुछ ठीक होगा लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है निवेश आप कर सकते हैं और तुला की हम बात करेंगे तो तुला राशि के जातकों को अपना स्वभाव आज नरम रखना होगा नम्रता पूर्वक सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए फिर देखिए आज दिन बेहतरीन बीतने वाला है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा मन में सक्रियता थोड़ी ज्यादा होगी दिन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा बस विनम्रता के साथ आगे बढ़िए कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है और धन के मामले में भी जो भी रुकावट चली आ रही थी यूं समझ लीजिए रुकावट खत्म होने वाली है रुके हुए कार्य बनने वाले हैं व्यापारियों को भी अच्छा लाभ मिलने वाला है आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है भाग्य का साथ मिल रहा है और यूं समझ लीजिए कि भाग्य के सहारे सा सारे काम बनने वाले हैं और नौकरी पैसा है तो आज आपको बेहद सतर्क रहना होगा आत्मविश्वास अति मत करिएगा यानी आत्मविश्वास होना ठीक है कॉन्फिडेंट होना ठीक है ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा बॉस से असहमति मत प्रदर्शित करिएगा बॉस से बहस मत करिएगा नहीं तो नौकरी पर बनाएगी जीवन शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए किसी बात को लेकर के मतभेद है तो शांति के साथ बैठकर के बातचीत करिए और प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है प्यार का इजहार कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत अधिक थोड़ी करनी पड़ेगी लेकिन लाभ मिलेगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया हनुमान जी को दिखाइए उनसे प्रार्थना करिए दिन बहुत अच्छा बीतेगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज लाल है भाग्य साथ है सुनिवेश करिए और वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो आपको सबका साथ और तब फिर आपका विकास दिखाई पड़ रहा है परेशानियां निसंदेह खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं हर किसी के साथ मिलिए जुलिए हर किसी के हंसी खुशी में शामिल होइए लोगों की मदद करिए लोगों से आपको मदद मिलेगा पारिवारिक संबंध हो मित्रता हो पुराने मित्र हो सबसे बातचीत करना समझ लीजिए दिन बढ़िया बीतने वाला है मित्र की मदद से काम बनता दिखाई पड़ रहा है हालांकि दिन बहुत अच्छा नहीं है सेहत में थोड़ी परेशानी आएगी कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है और कार्यस्थल पर भी काम आपके अधूरे रह जाएंगे चिंता मत करिएगा आने वाले दिनों में सभी काम पूरे होंगे व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया बहुत खराब नहीं है पर अच्छा भी नहीं तो ठीक है मिला जुला झूठ बोलने से बचना है किसी को नीचा नहीं दिखाना और दाम्पत्य जीवन में आज परेशानी आएगी मतभेद हो सकता है या जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन और हो सकता है प्रेमी के शक का शिकार भी आपको होना पड़े तो वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत भरा दिन लेकिन सफलता प्रदायक और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों को लेकर के सावधान रहना होगा पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं आज हनुमान जी की आराधना करिए उनके शरण में आ जाइए सब ठीक हो जाएगा हनुमान चालीसा तीन बार पढ़िए लकी अंक दो है लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है निवेश आप ना करें धनु की बात कर लेते हैं धनुराज के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है जरूरी बदलाव होने वाला है आपके जीवन में ऐसे बदलाव जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए दिन पेशा है तो कार्यस्थल पर ज्यादातर कार्य आपके होने वाले हैं मेहनत आज थोड़ी ज्यादा होगी इस बात का ख्याल रखिए लेकिन काम रुकना नहीं है कोई नहीं काम सारे काम बनेंगे वाहन खरीदने का या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में अच्छा रहने वाला है दिन कोई कुछ बड़े व्यापारियों से मुलाकात मीटिंग इत्यादि होने वाली है जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी नए अवसर आपको नजर आएंगे व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है और पैसों के मामले में आज विवाद मत करिएगा किसी से भी नहीं विवाद पैसे के मामले में ही होगा और उससे नुकसान होगा मन में जो भी बात है आज उसे मन में दबा करके रखिए दाम्पत्य सुख मिलने वाला है प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं जैसे प्रेम संबंध तोड़ने का या प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने का आज न लीजिए विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत भरा है दिन लेकिन सफलता मिलेगी और सेहत में कोई परेशानी नहीं निश्चिंत रहिए आज लाल चंदन का दान आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में करिए फिर देखिए सब कुछ ठीक होगा और हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है अपने माथे पर लगाइए सब ठीक हो जाएगा लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है और निवेश आप जानकार किराए से कर सकते हैं मकर की बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा अलग ही रहने वाला है दिन बेहद अलग महत्वाकांक्षा आपकी वैसे तो चरम पर रहेगी परंतु आज दिन को बड़े अलग तरीके से जिएंगे किसी से विवाद मत करिएगा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा और आज विशेष करके कर्ज लेने वाले हैं तो मत लीजिएगा कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी रहेगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है आपके साथ के लोग ही आपके काम में कमी निकालने के लिए तैयार बैठे रहेंगे क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपको परेशानी में डालने वाली है हर कार्य में मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा और सफलता के दृष्टिकोण से देखें लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो कमी रहेगी आप किसी से प्रतिद्वंदिता करने की आवश्यकता नहीं है बस मेहनत करना है सफलता मिलेगी व्यापारियों के लिए ठीक है दिन खर्च आपको परेशान करेगा और हो सकता है कोई कानूनी अड़चन भी आए जिससे आपको परेशानी हो किसी को पैसा उधार नहीं देना लव पार्टनर पर आज खर्च होने वाला है संबंध में मधुरता आएगी लेकिन जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है क्योंकि जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी विद्यार्थियों को सफलता में बाधा मिलने वाली वाले दिन बहुत अच्छा नहीं है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो देखें तो पेट जन्य रोग की शिकायत हो सकती है पेट में गैस की समस्या बजरंग बाड़ का आज तीन बार पाठ करिए लकी अंक आपके लिए चार और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है निवेश ना करिए कुंभ की बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं और दिन वैसे तो फायदा देने वाला है लेकिन लाभ के साथ साथ की स्थिति भी बनी रहेगी किसी से आज कोई वादा मत करिएगा संतान से सहयोग संतान की ओर से कोई खुश खबरी या संतान की शिक्षा को लेकर के चिंतित थे तो वो चिंता दूर होगी आपकी योजना सफल होगी बस आलस्य से बचना है किसी की निंदा शिकायत या किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में लग जाना साथ देना उसका इससे आज परहेज रखिए कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होने वाला है व्यापार से संबंधित योजना बनेगी बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा अन्यथा फंस जाएंगे और कोई गैरकानूनी काम तो बिल्कुल ही मत करिएगा प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद संभव है हालांकि अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखा अपने गुस्से पर काबू रखा कोई समस्या नहीं आएगी और जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन बस आलस्य से बचिएगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है सेहत में सब कुछ ठीक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग लगाइए फिर देखिए सब कुछ बढ़िया होगा लकी अंक आपके लिए आज आठ है लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है निवेश आप कर सकते हैं और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में लाभ भाव में गुरु बुध और शनि बदलाव करने के लिए अगर तैयार हैं तो कर सकते हैं मेहनत करिए खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए एक बार जो खुद पर नियंत्रण कर लिया अपने मन पर नियंत्रण कर लिया अपने आप पर नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए कि हर मामले में सफलता दिन खुशनुमा बीतने वाला है जरूरत पड़ने पर सबका साथ सबसे सहयोग मिलेगा परिवार के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है अच्छा समय बनने बीतने वाला है आपके सभी कार्य बनने वाले हैं परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है निवेश निवेश करना श्रेयस्कर होगा परंतु जानकार की राय से ही करिएगा और आज कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं विशेषकर अचल संपत्ति खरीदना या अचल संपत्ति पर कोई आगे कदम बढ़ाना तो आप ऐसा काम कर सकते हैं या अचल संपत्ति को लेकर के कोई विचार विमर्श या किसी व्यक्ति से मीटिंग करनी है आज करिए प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रेमी के साथ अनबन मतभेद या हो सकता है प्रेम के क्षेत्र में कुछ परेशानी आए अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिलेगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के रोगियों को परेशान होना पड़ेगा सावधान रहिए आज पंचाक्षर स्त्रोत्र का पाठ करिएगा लकी अंक आपके लिए आज एक है लकी कलर आपके लिए आज सफेद है तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार